मैं देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ, माँ बहन से निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जो हकमारी कर रहा है बिहार से, बिहार मॉडल को अपना रहा है और 29 में जो लागू करेगा, इस जुमलेबाज से सावधान रहिएगा। बीजेपी को दिखाने के लिए इस तरफ से राजस्व पर लालू प्रसाद यादव अपने बात, एक तरफ से कहेंगे खुशी का इजहार हुआ है और इसको देख करके बीजेपी के लोग जल रहा है, इसलिए अनाप शराम बक रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा में महिला बिल जो आरक्षण है वो पास हो गए हैं, टोटल 454 वोट इसमें मिले हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। सर, कैसे देख रहे हैं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सही बात है, सबने देखा है नया संसद भवन में। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 ही में महिला को आरक्षण दिया, पंचायत चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में महिला को 33% नौकरी में आरक्षण दिया, तो उससे सीख ले रहा है ना, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को अपना रहे हैं केंद्र सरकार, सीख ले रहा है, अपनाता तो कब के नहीं वो कर देता है। उससे जब दीक्षा परिपक्व हो जाता है, दीक्षा लेना, तब वो करता है। लेकिन लागू होने में 2029 तक समय लग जाएगा, ये जुमला है। किस बात का जुमला? इसलिए कि जो भी 2 करोड़ रोजगार युवा को रोजगार, 15 लाख रुपए हर भारतीय खाता में, जब वो नहीं हुआ, ये बिल ला रहा है 29 में जो कर रहा है, तो ये जुमला है। ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसके लिए जनगणना की बात कही जा रही है, जाति आधारित जनगणना? अरे अब वो सोच रहे हैं ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जाति आधारित जनगणना आर्थिक रूप से चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म में कमजोर वर्ग के लिए जातिगत जनगणना करा करके उसको आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर उसको लाभ देने का योजना बना रही है हमारी सरकार, लेकिन अब उसका अनुकरण करके देखिए, नल जल योजना हुआ, 7 निश्चय हुआ, जल जीवन हरियाली हुआ, आज लिखा है नारी बंधन योजना वो बनाया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी बना करके ढेर सारे काम किए हैं महिला के विषय में। अगर महिला के हितैषी है तो मणिपुर कहने जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन केंद्र सरकार अपना रहे हैं, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं केंद्र में जाना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहिए? समय बताएगा और प्रधानमंत्री तो बनबे करेंगे, कोई शके न है जी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से इन लोग महिला आरक्षण बिल पर जुमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार आएंगे तो सारी चीज लागू करेंगे? जाएंगे, मैं देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ, माँ बहन से निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जो हकमारी कर रहा है बिहार से, बिहार मॉडल को अपना रहा है और 29 में जो लागू करेगा, इस जुमलेबाज से सावधान रहिएगा। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव मूड में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि लोग बेल पर आए हैं और इस तरह से लौंडा डांस इस तरह के करवा रहे हैं, देखिए उसको दिखा रहे हैं, बीजेपी को दिखा रहे हैं। हाँ देखो, तूने कितना प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, सत्य का विजय होता है, तो कितनों बार बार जब हम अलग होते हैं या महागठबंधन बनाते हैं, तब तुम्हारा ईडी सीबीआई जो भी है वो आकर के हमको संपत्ति कुर्क करता है, लेकिन सत्य का विजय होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको विजय दिया, बड़ी किया। लेकिन क्या बीजेपी को दिखाने के लिए इस तरफ से राजस्व पर लालू प्रसाद यादव अपने बात, एक तरफ से कहेंगे खुशी का इजहार हुआ है और इसको देख करके बीजेपी के लोग जल रहा है, इसलिए अनाप शराम बक रहे हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा, इन्होंने तमाम सवाल उठा दिया। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।